हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है होली, तो हैप्पी होली। और अभी सौरदा सोया है, मैं तो बाहर बहुत सारे बलून फुला लिए मैंने, तो मैं तो सौरदा को उठाने आया था, पहले भी उठा रहा था। सौरदा कहते 7 बजे उठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ओए हेलो, थोड़ी देर सुन दे यार। सो के क्या होगा, थोड़ी देर सुन दे बस। नहीं 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 नहीं, गुब्बारा मारो। ओ तो सौरदा को उठाओ, तो ये खुद ही सोया है। उठ रे, तू उठ, तू भी चल बाहर। दोनों के दोनों आलसी हैं, चलो अपन बाहर ही चलते हैं गुब्बारे फुला। तो गाइस, मैं इतनी देर से लगा था यहाँ पर गुब्बारे फुलाने में, एक पैकेट फुला दिया मैंने, कुछ इतने बलून फुलाए, ये देखो इतना बड़ा। चलो और फुलाते हैं। तो गाइस, मेरी इतने में हालत टाइट होगी, और हाथ देखो मेरे, और सौरदा को ही बुलाता हूँ, तो उठाना ही पड़ेगा। हैप्पी होली, उठाना यार, थोड़ा सोने देना। नहीं सोना, मार खाएगा। शक्ल देखो इनकी। यार रुक जा यार, अभी क्या करना है, उठ के अभी गुब्बारे फुलाने हैं। गुब्बारे फुलाने, फुला ले तू, मेरा हाथ टूट गया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मेरे को इसने जबरदस्ती उठाया, मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मुझे नींद आ रही है, फिर भी मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि मुझे उठा रहा है इतनी देर से। गुब्बारे लाओ। तो अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी अभी उठाऊं मैं, फ्यूज नहीं, तो मतलब मेरा सोना आराम कर रखा है। मैं रात को 3 बजे सोया था और सुबह 6 बजे आ गया मुझे उठाने के लिए, 6 बजे से अभी तक उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, उठाई दिया इसने मुझे। और मम्मी जी भी कह रहे हैं सुबह से 50 सब्सक्राइबर आ गए हैं अभी तक, तो मैं तो सोया पड़ा था, तो सॉरी गाइज मैं आपसे नहीं मिल पाया। तो चलो चलते हैं अब नीचे, पहले कुछ खाते हैं, मम्मी जी बुला रहे हैं काफी टाइम से, उसके बाद देखते हैं जो भी रहेगा। हमारे जो पहाड़ी लोग हैं उनके साथ में हम पहाड़ी होली सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी होली मम्मी जी, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आज खाने में क्या है, खाने में आज पकौड़े बनाए मम्मी जी ने, पकौड़े और चाय। नहीं अरे भीग गया, अबे अबे नहीं ना, अरे अरे हमारा प्लान नहीं था भाई, अरे भाई हमारा प्लान नहीं था भाई, हम किसी और को भिगाएंगे ना। पीयूसी नहीं ना, पीयूसी रुक जा, नहीं रुक जा, अबे रुक जा, अबे रुक तो जा, अबे भिगा दिया अपने भाई ने, क्या हाल किया अबे। पीयूष का पैर कट चुका है, इससे ऐसे दौड़ रहा था ना, ओ यार खून ही खून आ रहा है यार। पापा जी को बता दो, पापा जी डांटेंगे, मम्मी भी फुल डांटेगी यार। और कर ले, पीयूष का पैर कट चुका है, तो हमारा होली खेलना थोड़ा रॉन्ग हो चुका है। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। अरे कुछ नहीं था यार, लग गया, अब हम क्या कर सकते हैं। होली प्लेइंग गोन रॉन्ग, और ये दूर रखो, ये जो इसके पैर पे है ना, ये रंग नहीं है, मम्मी यहाँ से भाग रहा है ना, मैं देख रही हूँ नीचे से, तो मेरे को क्या कहेगा, मैं सुबह से कह रही हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं ऊपर आया, ऊपर आने से भिगा दिया इसने मुझे, 1 सेकंड के अंदर भिगा दिया, वही तो सबर नहीं है इसको, मेरे को 6 बजे उठा दिया इसको। मैं सोया लेट हूँ, मेरे को 6 बजे उठाने लग गया था, बिल्कुल नीचे से कटा हुआ है। अब तो गाइस मेरा होली खेलने का मन ही नहीं कर रहा, सारा मूड खराब हो गया, पैर कट गया उसका, सोच रहा हूँ नहा लूंगा, लेकिन फिर कोई आएगा रंग लगाने के, प्लान था पहाड़ियों के वहाँ जाने का, जो हमारे वहीं पे 5-10 मिनट के लिए जाऊंगा मैं। तो अब पीयूष को थोड़ा ऐसे चलना पड़ेगा, मेरे कंधे पे एक हाथ रख के कुछ इस तरह से, टी शर्ट और पजामा तेरे नीचे से ले जाता हूँ कोई पुरानी, क्योंकि अभी कोई और रंग लगाने आ सकता है। ले भाई साहब, इतनी मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ कच्चा, कौन सा कच्चा, अच्छा वो तो भीगा हुआ है, तू बैठ क्यों ना, बैठ जाना कच्चा, ले आना गीला और कैसा बंदर का, बैठ ला रहा हूँ ला रहा हूँ ला रहा हूँ। सुबह से कह रही ना मैंने, उठा आराम से आराम से, मैंने तेरे को ये कहा कि बिल्कुल आराम से, कहीं भी किसी भी चोट से लग सके। तो गाइस बात ऐसी है, मम्मी जी पापा जी और साहिल तो जा रहे हैं वहीं पहाड़ियों के घर पे, मैं भी थोड़ी देर में 5-1 मिनट के लिए जाऊंगा, वैसे प्लान तो था कि वहीं पे रहेंगे फुल मनाएंगे, बट पीयूष के पैर में हो गए तो यहीं पे रहेंगे हम फिलहाल, मैं और पीयूष, तो और ओरियो तो रहेगा ऑब्वियसली, ओरियो को तो कहीं ले आ नहीं सकते, तो फिलहाल अब सेलिब्रेट करना अच्छे से, ठीक है करूंगी फिर, अंतर शब्द नहीं होते, शान में होता बता, अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे होता रहता है, इतने सारे गुब्बारे लेके आया है, मतलब गाइस इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट मैंने आज तक नहीं देखी कभी इसमें, सुबह 6 बजे मुझे उठाया, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, मैं ऊपर आया इतना पानी फेंक दिया इसने, इतनी तेज भाग रहा है कूद रहा है, मैंने इसको शुरू से ही कह दिया था, मैंने कहा तो अभी इतना खुश हो रहा है और तो बाद में रोता है, कहा था मैंने ये बात इसको, तो इसीलिए गाइस इस बात से समझो, कभी भी ज्यादा एक्साइटमेंट और जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए चीजों में, आराम आराम से करो, आराम आराम से, और जल्दीबाजी में देखो क्या हो गया। तो आज की हमारी होली कुछ इस तरह से, विद ओरियो पीयूष एंड सोनू भैया, ओरियो के ऊपर फिर भी 1-2 छींटे पड़ चुके हैं, देखो क्या वाली, हम ना खेल रहे थे ना बैलून से पानी से, ये दिख रहा था ये कर क्या रहे हैं, ये दूर से खड़ा होकर देखा था, पास नहीं आ रहा था, अरे मेरे मुंह पे रंग लगा हुआ है, तेरे ऊपर लग जाएगा,
इसको मैं गोद में भी नहीं उठा सकता जब तक नहाएंगे नहीं। ये टीका वैसे अच्छा लग रहा है इसके सिर पे हल्का सा। तो अभी पारस भैया आ गए हैं और ये माइनक्राफ्ट में लगा हुआ है तब से, मतलब इसकी होली देखो कैसे चल रही है गेम खेल के। मैं क्या करूं इसका? जल्दी आ जाओ, एक काम करता हूँ, लो चाबी लो, खोल के अंदर आके लगा के आ जाना। हैप्पी होली, हैप्पी होली। मम्मी कहाँ है? मम्मी इधर गए हैं पहाड़ियों घर पे। पीयूष को लग गई यार यहाँ पे, देखो वो बेचारा बैठा हुआ है यहाँ पे। तो भैया आए पूरी फैमिली के साथ में, काफी ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। और हैप्पी होली, लेकिन भाई हम कैसे हैं हमें भी पता है। यार रंग तो लगाओ, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। ज्यादा नहीं हैप्पी होली। और पीयूष जी रंग रुंग लगवा ले, तू क्या गेम में लगा हुआ है, स्टूडियो में रंग रंग होगा। और यू नो, तो अभी हम जा रहे हैं मम्मी जी के पास में। ब्लॉगर आगे आगे ही बैठते हैं, यही पिछली गली में ही जाना है हमको बस। पापा जी आगे। अरे आपकी होली कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है हमारी तो। हमारी भी अच्छी चल रही है, हम घर पे जाके पीयूष के हाथ गेम खेल रहे हैं। यार मजा आया, यहाँ तो डांस के बड़े सही लोग हैं यार। तो मम्मी पापा से मिल लिया, थोड़ा बहुत डांस भी किया यहाँ पे, काफी मजा आया। पहाड़ी के साथ में तो मजा ही आता है। ओके सर, बाय। ओके बाय बाय। जल्दी जल्दी भाग जाओ, कोई पकड़ लेगा मेरे को यहाँ पे। जल्दी खोलो ओरियो। तो मैं घर तो पहुंच गया हूँ, अब मैं जल्दी से पहले तो अपना फ्लोर साफ करता हूँ। यहाँ पूरा गुलाल हो रहा है। मम्मी जी गुस्सा करेगा कि तुमने स्टूडियो में क्यों खेली होली। और ओरियो को भी लग जाएगा, ओरियो नीचे बैठ रहा है ना, ओरियो के पैरों में लग रहा है, ओरियो को नहलाना तो पड़ेगा ही। ये देखो थोड़ा थोड़ा रंग लग गया इसके फेस पे, थोड़ा नहीं यार काफी लग गया, लेकिन निकल जाएगा आई थिंक। और पैरों पे भी लग गया क्योंकि चल रहा है ना यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमने बचा के रखा है इसको अच्छे से, ज्यादा कलर नहीं लगने दिया। ये गुब्बारे ऐसे ही पड़े रह गए यहाँ पे। पीछे आज तक होली नहीं खेलनी? ये तो भाई तब से फोन में लगा पड़ा है, इसको तो फोन मिल जाए। होली दिवाली सब छोड़ दिया है ना, दर्द तो नहीं हो रहा ना पैर में? वहाँ पे वो फुल नाच रहे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी नाच के आया, बट ओनली 5-10 मिनट के लिए गया था मैं वहाँ पे। वैसे मजा बताता है वहाँ पे पहाड़ियों के साथ में। तो अभी फिलहाल हम प्लान कर रहे हैं कि हम दोनों भाई नाच लेते हैं। मैं सूझ इसी वजह से नचवा लेता हूँ, कूद तो सकता नहीं, पैर तो रख नहीं सकता नीचे क्योंकि काफी ज्यादा कट गया इसका पैर। और गेम खेले जा रहे हैं तो थोड़ी देर ऐसे ही नाचते हैं, लगाते हैं थोड़े बहुत पहाड़ी गाने, और उसके बाद बस नहा लूंगा, हो जाएगी हमारी होली। चलाते हैं। सो अपना डांस भी हो गया है, काफी ज्यादा मजा आया, अब नहा ही लेता हूँ। अच्छा हो मैंने भी नहाया नहीं, नवीन आया फिलहाल, थोड़ा बहुत वो लगाया फिर नहाऊंगा। उसकी शक्ल तो पहचान में ही नहीं आ रही। देखिए पहचान में ही नहीं आ रहा है, पक्के रंग है ना? पक्का ही है, कोई गुलाल है? गुलाल तो नहीं है। अरे पानी लग गया ना फिर। ओरियो कह रहा है ये कौन आ गया, रंग बिरंगे भी निकाले और पहचाना ही नहीं नीचे खड़े। तो यार आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो कल हम लेके आए थे, हमने फुलाया ही नहीं, मैंने अभी देखे यार ये कितने प्यारे लग रहे थे, मतलब सही जुगाड़ है। भारी बहुत हो गए, हमारे टाइम में नहीं होता था ऐसा। इसको तो मेरा मन कर रहा है ऐसी टांग दो स्टूडियो में। ओए भाई बहुत भारी है, ऐसे ही फोड़ दे। तो चलो हम इसको यहीं से नीचे फेंकते हैं, देखते हैं क्या होता है, होना तो गेट फूट ही जाएंगे। फेंक दें। ओ भाई साहब, वो इतना पानी था, बच गए चार तो बच ही गए। तो मम्मी का कॉल आया था कि खाना खाने के लिए आ जाओ, हमारा खाना वहीं है पहाड़ियों के वहां पे, जब मम्मी गए हैं होली मनाने के लिए। एक बार अपना मुंह वगैरह धो लेता हूं। तो ये मुंह तो धो लिया है, बालों में भी कलर हो रहा है, बस अब कोई और ना रंग दे यार, खाना खा के जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी नमस्कार। पेन हो रहा है ज्यादा? तो मेरे कंधे में आ जा, चप्पल मत पहन। अरे वहीं पे लगी है तेरे को, चप्पल निकल जाएगी। भाई तेरी नीचे कोई मिलने आया है, उनसे मिल लेते हैं। चल अरे चल आराम से बैठ जाइए वहाँ। तो अभी मैं निकलने वाला था तो ये फैमिली मिलने के लिए आए हैं। मैंने अभी मुंह धोया था, आपने फिर से रंग दिया। चलो कोई बात, नाइस टू मीट यू, ओके बाय। अब की बार मैंने मुंह नहीं धोया, बिकॉज क्या पता यहाँ पे फिर से मुझे रंग दें। अब तो खाना खा के आता हूँ, तभी पीयूष वहीं है और यो भी। पीयूष कह रहा मैं नहीं आता, उसके पैर में ज्यादा लग गया, उसको चला ही नहीं जा रहा। सो मैंने खाना तो खा लिया है, अब चलते जल्दी से घर। पीयूष अकेला है ओरियो के साथ। पीयूष अकेला है ओरियो के साथ? मैं तो खाया, तुझे नहीं खाना? तेरे ले आएगी मम्मी, टेंशन ना ले। अभी मैं रास्ते में आ रहा था ना, मैंने देखा बहुत सारे डॉग्स को, इवन गाय को भी लोगों ने कलर लगा रखा था, पता नहीं क्या क्या लगा रखा था, मतलब देख के बहुत बुरा लग रहा था यार। वो तो साफ भी नहीं कर सकते, प्लीज गाय ये सब अवॉइड करा करो। एनीवेज फिलहाल अब मैं जल्दी से नहाऊंगा, फिर मिलता हूँ आपसे नहाने के बाद। पीयूष को भूख लग रही होगी क्योंकि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, और ये गया भी नहीं मेरे साथ में वहाँ खाने के लिए। मस्त
कड़ी चावल खा के आया हूँ मैं तो। कैसे जाता? मैं तो कह रहा था चल तेरे कंधे पे ले आ लेता मैं। चलो हमने अपने ओरियो को तो बचा ही लिया, काफी लोग आए थे बट स्टिल हमने इसको बचा लिया। तो अभी नहा के अच्छे से रेडी हो चुका हूँ, ज्यादा कलर तो था नहीं बट गुलार गुलार था बालों में भी और फेस पे भी, जो कि अच्छे से साफ हो चुका है। तो इस बार की होली जैसा हमने प्लान किया था वैसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हो पाया, बिकॉज स्टार्टिंग में ही ये ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और देखा है जैसे कि आपने चोट लग गई इसको तगड़ी वाली, तो सारे प्लान हमारे कैंसिल हो गए सारे। मतलब काफी कुछ सोचा था हमने, बाहर जाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, अकेले में तो फिर मजा भी नहीं आता ना, आप भी बोर होते हो, जब पीयूष होता साथ में तब तो अलग ही मजा आता है ना। तो ये तब से तो बस गेम ही खेले जा रहे हैं, क्या ही करें फिर, अब क्या कर भी क्या सकते हैं, सिर्फ पीयूष और मैं यहाँ पे, वो मस्त अपना वहाँ होली खेल रहे हैं। सो मम्मी जी पीयूष के लिए भी खाना ले आए वहीं से, दाल चावल। नहा लिया मम्मी आपने? नहीं, लेकिन आपको रंग तो नहीं लगा हुआ। पानी का खेला था। खा ले भाई, खातिरदारी हो रही है इसकी। अभी टाइम हो रहा है 4:35, तो अराउंड 2 घंटे के लिए मैं सो गया था, पता नहीं क्यों थकान लगती है, आज कुछ ज़्यादा होली खेली भी नहीं बट स्टिल बहुत थकान सी लग रही थी तो सो ही गया। फिलहाल चलते हैं, भूख लग रही है। तो अभी मैं एडिटिंग कर रहा था तो ये भाई मिलने आए हैं छोटे से, कितने साल के हो? 13 ईयर्स ओल्ड। तो कह रहे थे वीडियो में ले लो, आगे वीडियो मेरी। अरे हाँ, ये कह रहे थे कि मिलवा दो, तो खाना नहीं खाऊंगा मैं। इसमें खाना खाने का क्या है, अब जब भी आओगे मिल लेना। तो आज की जो मेरी होली है ना वो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगी, बिकॉज दो बहुत बुरी चीज़ें हुई हैं। एक तो पीयूष का आपने देखा, सुबह सुबह हम होली खेलना स्टार्ट किया था, उसके बाद तो हम खेल भी नहीं पाए ज़्यादा, ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाए, और उसके बाद शाम को भी एक खतरनाक मतलब बुरा ही सीन हुआ मेरे साथ में, जो कि मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको अच्छे से बताऊँगा, जो कि मैं कल ही अपलोड कर दूँगा, एक पर्टिकुलर मुझे वीडियो बनानी है। तो हाँ, बस यही थी फिलहाल इस बार की होली जो कि आपके साथ मैंने शेयर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट व्लॉग देखना, समझना, बताना कमेंट करके। और बस बाकी बाय द वे आप कमेंट करते ना आपकी होली कैसी रही, मेरी तो जैसी रही मैंने आपको दिखा दी। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। गाइस बड़ी मेहनत मशक्कतों के बाद मैंने सौरदा को आखिरकार, चुप है। You